तो चलिए अब एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एक स्पेयर की रेडियस मेजर की गई है सेवन मीटर लेकिन रेडियस को मेजर करने में एरर हो गई जीरो पॉइंट जीरो दो मीटर की अब सिंस रेडियस में कुछ एरर हुई है तो जब हम उसका वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे तो उसमें भी कुछ एरर आएगी तब हमें वॉल्यूम में कितनी एरर हुई है उसी की अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है तो चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं सिंस इस क्वेश्चन में गिवन है कि स्पेयर की रेडियस है सेवन मीटर यानी कि आर दे रखा है सेवन मीटर एंड रेडियस में एरर है जीरो पॉइंट जीरो दो मीटर यानी कि डेल्टा आर की वैल्यू दे रखी है जीरो पॉइंट जीरो दो मीटर एंड हमसे पूछा है डेल्टा वी यानी कि एरर इन वॉल्यूम अब अभी तक हम पढ़ते आ रहे थे कि हमें एक्स एंड वाई में एक फंक्शन दे रखा होता था और हम वहां से डेल्टा वाई निकालते थे लेकिन अब हमें आर और वी में एक फंक्शन निकालना है हम जानते हैं कि स्फीयर के लिए स्फीयर का वॉल्यूम इज इक्वल टू फोर बाई थ्री पाई आर क्यूब होता है तो अब हमें फंक्शन तो यहां से मिल गया अब हम डेल्टा वी कैसे निकालेंगे अभी तक हम पढ़ते थे एक्स एंड वाई तो यहां एक्स की जगह है रेडियस एंड वाई की जगह है वॉल्यूम एंड इसके लिए हम फॉर्मूला पढ़ते थे कि डेल्टा वाई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स तो अब इस क्वेश्चन के लिए फॉर्मूला हो जाएगा डेल्टा वी इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी आर डेल्टा आर अब इस फॉर्मूले में हमें डेल्टा आर तो पता है तो डी वी अपॉन डी आर निकालना है डी वी अपॉन डी आर कैसे निकालेंगे हम वॉल्यूम को रेडियस के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे देन वी गेट डी वी अपॉन डी आर इज इक्वल टू फोर आर स्क्वायर जब हम इस वैल्यू को इस फॉर्मूले में पुट करेंगे देन वी गेट डेल्टा वी इज इक्वल टू ट्वेल्व पॉइंट थ्री टू हमारे वॉल्यूम में जो एरर होगी वो होगी ट्वेल्व पॉइंट थ्री टू मीटर क्यूब